पंजाब की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी श्री फतेहगढ़ साहिब की ओर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। मौके पर मौजूद साबका जिला प्रधान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश की जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है, पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तेल की कीमतों से अपना टैक्स अभी तक कम नहीं किया है, जिस कारण पंजाब के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ गलत रणनीति बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने लोगों के भले के लिए 24 घंटे काम में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने पंजाब में तेल की कीमतों में से अपना टैक्स कम नहीं किया तो संघर्ष को और भी तेज कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहगढ़ साहब वालों पंजाब की जी कांग्रेस सरकार है मुख्यमंत्री कैप्टन साहब का पुतला फूकया गया है। ये पुतला फूका फूकना समारोह जोड़ा किया गया है, उसका कारण इको एक है कि जी कांग्रेस की सरकार ने पिछे जे मुजहरे किए कि मोदी सरकार है पेट्रोल के रेट बधाई जा रही है तो डीजल के रेट बधाई जा रही है। केंद्र की सरकार ने पेट्रोल दीमत डीजल दीमतों के 2.5 रुपए पर लीटर का घटा किया है, तो उत्थे असी पंजाब की सरकार तो भी मंग करते हैं घट्टो घट 5 रुपये पर लीटर पेट्रोल की जोड़ा कीमत है तो डीजल दीमतों घटा चाहिए, तो इस पर वैट जोड़ा लग रहा वो वैट घटा चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के उत्ते वैट बहुत ज़्यादा है तो 50% तो वध जोड़ा है वह टैक्स के रूप के पंजाब सरकार को जा रही है। जय भारत जय। ज़िला फतेहगढ़ साहब की तरफ तो पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ रोस मुशहरा करके उन्होंने पुतला फूकया गया, जिसका कारण वो पंजाब की भोली भाली जनता नूं जिवें कि शुरू तो हुण तक गुमराह करते आए हैं। केंद्र सरकार ने जो 2.5 रुपये लीटर की छोट पूरे भारत के देश दी हर स्टेटा दे विच दित्ती है उसनों ये सरेआम खा रहे ने। सारिया लोग भलाई जिहड़ियां स्कीमां दी जो श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के हित के लिए चलाईया सन वो सारिया इन्होंने बंद करतियां, चाहे वह बुढ़ापा पेंशन होवे ते चाहे वह विधवा पेंशन होवे, चाहे शगन स्कीम होन, चाहे होर जिहड़ियां लोग भलाई स्कीम सी आटा दाल की स्कीम है वो सारी इन्होंने बंद करतियां। ते सरेआम जो केंद्र की जो सबसिडीज आ रही हैं या ग्रांट्स आ रही हैं कोई वह बॉर्डर इलाके दियां या कोई होर हैं वो सारिया ये खा रहे हैं। इन विधायक मौजा लुट रहे हैं, कैप्टन साहब को कुछ नहीं पता, कदे पाकिस्तान जाने कदे हिंदुस्तान च रहने पूरी इन्हों की बल्ले बल्ले आ, तो जनता जी त्राही त्राही कर रही है, सुती पई सरकार है, जिसके खिलाफ़ असं अगे जाके भी धरने प्रदर्शन भी करा तो घर घर दिया जो इन दीतियाँ है वह भी बचावे कि यह लोग मारू नीतियाँ कांग्रेस सरकार ने अपनाई। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज़ के लिए फतेहगढ़ साहिब से कैमरामैन हरीश पाठक के साथ संदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।